हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और उसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस बना लूंगा आई होप। एंड यस, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, विच इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। आप जिस भी ईयर के हैं, जो भी पेपर आपको चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि हमने एक ग्रुप भी लॉन्च करा है, टेलीग्राम का ग्रुप, जो इसकी कीमत जो है बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपीज पर मंथ में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें ढेर सारी बेनिफिट्स हैं। ऑन डिमांड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर में मिल जाएंगे, ऑन यू नो आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स व्हिच यू विल गेट इफ यू विल ज्वाइन दैट ग्रुप। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का टॉपिक, जो कि है डिफरेंट रोल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो जो बंदा पर्सनल सेल कर रहा होता है, जो बंदा सेलिंग कर रहा होता है, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एज ए कस्टमर नहीं सोचना, एज ए आपको सेल्स पर्सन सोचना है कि आपको अगर पर्सनल सेलिंग करनी है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर किस तरह के रोल्स जो है आपको निभाने होते हैं एज अ पर्सनल सेलर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नाउ वाइडली स्टार्ट करते हैं। Wide variety of selling situations call for different selling strategies and changing role of salespersons. These are broadly grouped as. देखो, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो different different situations होती हैं, वहाँ पे आपकी जो sell करने का तरीका होगा, वो भी different different होगा। ये बात समझनी बहुत important है। जब आप MBA करोगे, you know, marketing में, या आप you know BBA में भी, जब हम लोग marketing में करते हैं BBA वगैरह, तो उसमें भी ना हर बार यही चीज सिखाई जाती है आपको, बहुत डिटेल में सिखाई जाती है कि हर कंज्यूमर, हर बायर, उसकी डिमांड्स अलग हैं, उसकी नीड्स अलग हैं, उसकी जरूरतें अलग हैं, तो आपको उनके हिसाब से जो है चीजों को यू नो कस्टमाइज करके सेल करना होता है। यहाँ पे जो रोल्स आपने प्ले करना है, वो भी रोल आपको कस्टमर के हिसाब से प्ले करना है, ठीक है ना। तो जिस तरह की सिचुएशन अराइज होगी, उसके हिसाब से जो है आपको अपना रोल जो है प्ले करना होगा। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ सेलिंग सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। पहला क्या है जो कंडीशन है, जो यू नो जो रोल है जो आपको प्ले करना होगा, पहला क्या होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। आपके पास बात करने का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, वो आपके पास तगड़ी होनी चाहिए, है ना। सो रोल ऑफ सेल्स पर्सन मेनली इन्वॉल्व्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, डिलीवरी, सर्विस स्ट्रेटेजीज टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टेक द परचेस डिसीजन। आपने कई बार देखा गया होगा कि आपको कमिटमेंट कर दिया गया कि भाई हम कुछ दिनों में आपको सामान को पहुंचा देंगे, लेकिन वो लोग सब पहुंचाने में काफी टाइम लगाते हैं, तो इसमें आप नाराज हो जाओगे, है ना। तो सेल्स पर्सन का जो बंदा होगा, उसका काम होगा, एज अ सेल्स पर्सन, अगर आप सेल्स पर्सन हो, तो आपका काम ये होगा कि जो भी बात बोलो वो कमिटेड, जो भी आप कमिट कर रहे हो उसको पूरा करने की कोशिश करो, है ना। जैसे आप अगर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो पूरी की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, किस प्राइस से आप फाइनली उस प्रोडक्ट को दे सकते हो, वो चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। डिलीवरी कब तक हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की, है ना। एंड जो सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज स्ट्रेटेजी होती हैं, कि अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो एक साल में कितनी बार आप रिपेयर करा दोगे, या एक ही साल की वारंटी है तो जितनी बार खराब होगा उतने बार हम रिपेयर करा देंगे या एक ही बार कराएंगे, जो भी कंडीशंस वगैरह होती है, वो सारी चीजें आपको खुल करके बतानी होती है। कम्युनिकेशन जो है आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, to be you know useful, to be efficient, है ना। So to help prospective customer to take the purchasing decision, और अगर आप इन सब चीज में अच्छे होगे तो definitely जो customer होगा वो आपकी बात से you know सहमत होगा और फिर वो चीजों को purchase कर लेगा, ठीक है। Second point is persuasion strategies. So in salesperson's roles there is more emphasis on convincing the prospective customer by matching the product benefits with need and satisfaction of the customer for persuading the customers to buy, है ना। तो जो पर्सुएशन स्ट्रेटेजी, आप जिस किस तरीके से कस्टमर को परसू करोगे, है ना, सपोज आपको बताना चाहिए उसका बेनिफिट्स, पर आपने यू नो स्टार्ट ही किया बेनिफिट्स के साथ, तो उसको जो है ज्यादा मजा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको जो है समझाना होगा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन और पर्सुएशन में डिफरेंस बस इतना ही है कि आप उसको परसू किस तरीके से करोगे। कम्युनिकेशन में आप सारी चीजें तो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आप कर भी रहे हो, लेकिन बताने का जो तरीका होता है ना, वो कैसा है, परसू कैसे करोगे आप चीजों को, आप किस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करोगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना, है ना, जो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स हैं, जो उसका यू नो जो यूएसपी है वो बताना, वो बहुत जरूरी है, है ना। देखो, हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में सेम तरह की यू नो प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन हम लोग एक ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि जो बंदा हमें सेल कर रहा होता है उसमें हमें उसका कुछ यूनिक फीचर दिखता है, है ना। जैसे कि जब मोबाइल भी जब सेल किया जाता है वीवो के द्वारा या ओप्पो के द्वारा, तो देखना कैमरा फोन, तो म्यूजिक फोन, तो उस तरीके से ना एक बना दिया जाता है कि देखो फीचर तो सब सारे फोन्स का एक ही है, कॉल आपने करना है, मैसेजेस आपने करने हैं, वीडियोस आपने देखने हैं, लेकिन कैमरा फोन, फिर मेन फोकस क्या है, कैमरा के ऊपर है।
समझ रहे हो ना, तो किस तरीके से आप परसू करोगे वो समझना बहुत जरूरी है। सो इन सेल्स पर्सन रोल देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बाय मैचिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट। जो कस्टमर की डिमांड है उसके साथ आपको अपने प्रोडक्ट बेनिफिट्स को मैच कराना होगा, उसको बताना होगा कि आपको जो प्रोडक्ट है वो उनके डिमांड के हिसाब से बेस्ट है, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले और ताकि वो चीज जो है वो लोग परचेस करें, है ना। तो पर्सुएशन स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। तो जिस प्राइस पे आप ऑफर कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो बंदा उसी प्राइस पे ले ले, है ना, एक्सेप्ट कर ले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको नेगोशिएशन आना चाहिए। आप किस तरीके से नेगोशिएट करोगे, आप किस तरीके से कस्टमर्स को मनाओगे अपने प्राइस पे बाय करने के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। चलिए देख लेते हैं। सो इन सम सिचुएशन ऑफ सेलिंग टू द अदर कंपनीज, नेगोशिएटिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टू बी प्रोवाइडेड एंड अदर टर्म्स लाइक प्राइसेस, देखो प्राइस की बात बोली गई, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात बोली गई, बिकम मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब आप पर्सन सेलिंग करने की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को ठीक तरीके से बता पाना, कंपेयर कर पाना, क्योंकि बंदा बोलेगा कि भाई आप जो चीजें दे रहे हो सैमसंग भी वही दे रहा है या नोकिया भी वही दे रहा है, तो आपके वाले में वीवो काफी चला हुआ है तो वीवो में क्या डिफरेंस है, है ना। तो वहां पे जो आपका नेगोशिएशन होगा, जो समझाने का तरीका होगा, जो कंपेरिजन होगा, वो बेहतरीन होना चाहिए। प्राइसेस के डिफरेंसेस को आपको ठीक तरीके से बताना होगा, सेल सर्विसेज जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं उसके बारे में आपको ठीक तरीके से बताना होगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट इज टू बी सप्लाइड रेगुलरली टू अ कंपनी ओवर अ लॉन्गर पीरियड, द नेगोशिएशंस बिटवीन बायर एंड द सेलर बिकम इंपॉर्टेंट एज इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट्स फॉर बायर एंड प्रॉफिट्स फॉर सेल ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, एग्जाम्पल पे दे दिया लेकिन समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल के हट करके मतलब उसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज मैं किसी से कोई सामान बाय कर रहा हूँ, है ना, आज उसको बनाने की कीमत 100 रुपए है, वो बंदा मुझे भी 120 रुपए में उस सामान को बेच रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो प्राइसेस हैं वो चीजों की बढ़ती है, रॉ मटेरियल्स का बढ़ता है, तो जब उसको बढ़ाने में, उस चीज को बनाने में जब उसको 100 रुपए अभी लग रहे थे तो वो 120 में बेच रहा था, जब उसको 110 रुपए या 120 रुपए लगने लगेंगे तो क्या मुझे वो 120 में बेचे या नहीं, वो 130 या फिर 140 में बेचने लगेगा, है ना। तो इस केस में नेगोशिएशन करना बहुत जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गया है, इसी वजह से हम आपको प्राइस को जो है हम लोगों ने ये रखा है, आपको मैं इतने में ही ऑफर कर पाऊंगा, इससे कम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो यही देखने को मिलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि जितना ज्यादा समय के लिए आप डील करते हैं किसी आदमी के साथ, क्योंकि कोई बंदा नया आ रहा है तो उसको तो पता नहीं है कि अभी प्रीवियस प्राइसेस क्या थी, अभी की प्राइसेस क्या है, तो वो बंदा जो है आपसे बाय कर लेगा, जो भी प्राइसेस अभी हैं थोड़ा सा कंपेयर करके वो बाय कर लेगा। लेकिन जिस बंदे ने आपके पास से 100 रुपए में सामान खरीदा है, बाद में आप उसको बोल रहे हो 120, 130, 140 रुपए, तो वो बंदा जो है आपसे नेगोशिएशन करेगा कि भाई पहले तो इतने में दे रहे थे, अभी कितने में दे रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती है। तो द नेगोशिएशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर बिकम इंपॉर्टेंट एज इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट, इसकी वजह से कॉस्ट में इन्फ्लुएंस होता है, है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है क्लाइंट प्रॉफिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, है ना। तो क्लाइंट के प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके प्रॉफिट के ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया जाए, ये आपने पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, देखो एक बंदा होता है नॉर्मल सेलर जो प्रोडक्ट को ले जाकर के कस्टमर को बेचता है, दूसरा बंदा होता है कंपनी का बड़ा सा सेलर जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को पकड़ता है कि भाई तुम मेरे सामान को बेचो, अब वो बंदा किसी और को बेचेगा, फिर नीचे वाला बंदा किसी और को बेचेगा। तो जब आप एमबीए वगैरह करते हो तो आपको सेल ही करना होता है, बट आपके पास क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपके पास जो लोग आएंगे, आप जिनसे बात करोगे उनके पास जो है कैपिटल काफी ज्यादा होगा, सो इट्स लाइक दैट, है ना। तो जब आप उस तरीके की चीजें करोगे, जब आप अपने किसी क्लाइंट के पास जाओगे कि अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो उनका फायदा कैसे होगा आपके सामान को बेच करके, ये बात आपको वहां उनको जो है समझानी पड़ती है, ये बात एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको बताना पड़ता है और उनके लिए काम भी करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कुछ भी और हुआ नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको जो है उनको सर्विसेस प्रोवाइड करनी होंगी। सो इन इंडस्ट्रियल सेलिंग ऑफ हाई प्राइस, है ना, देखो इंडस्ट्रियल सेलिंग की बात हो रही है, बड़े बड़े सेलिंग की बात हो रही है, हाई प्राइस में जहां टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बायर कंपनी विद द सेल्स पर्सन, है ना। जो कंपनी है वो सारी की सारी जानकारी सेल्स पर्सन के साथ साझा कर रही है अबाउट इट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशंस, किस किस एरियाज में वो लोग काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनका आरएनडी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, फाइनेंस क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, इस तरह की चीजें जब आप बताते हो अपने क्लाइंट को तो वो कन्विंस हो जाता है कि जो कंपनी मुझे ये माल सप्लाई कर रही है वो आने वाले समय में भी सप्लाई करेगी। कई बार आपने देखा होगा कि जो कंपनी, जो सामान आप किसी के पास से बाय कर रहे थे वो सामान उसके पास लेने गया, उसके पास मिला ही नहीं। पहले मैगी आता था, अभी ईपी आ गया, लोग ईपी खा रहे हैं, तो ईपी ऐसा नहीं है कि मैगी बंद हो गया है,
पर लोगों का भी टेस्ट बदला है, प्लस सप्लाई भी उसी का ज्यादा हो गया है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से हुई है। मैगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, और जो ईपी है या फिर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अभी तो बहुत सारे आ गए हैं, मैं क्या ही बताऊं, नाम भी मुझे नहीं याद है, इतने सारे आ गए हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैगी ने इस चीज के ऊपर काम किया होता, फ्यूचर ऑपरेशंस के ऊपर, R&D के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, और अच्छे तरीके से अगर काम किया होता, लोगों को अवेयर कराया होता, तो डेफिनेटली वो लोग अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करते, अभी भी करते हैं। पर अब जो थोड़े से रिच फैमिलीज से हैं या जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटीज में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो लोग हैं। 5 रुपए वाला जो मिलता है मार्केट में वो अब नहीं मिलता, 5-10 रुपए में मिलता था, हम लोग तो भाई बहुत खाते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। इसके बारे में भी सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए ताकि वो बंदा समझा पाए कि बंदा हमारे पास अगर आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी लंबे समय तक आप ले पाओगे और आपको प्रॉफिट बेनिफिट्स भी जो है वो मिलेंगे, है ना। सो यही बात है। देन द सेल्स पर्सन अलॉन्ग विद द हायर अथॉरिटी सजेस्टेड एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट्स विद इन सूटेबल प्राइस। उसके बाद क्या है, आप विद इन द प्राइस आप उसको बनाने की कोशिश करते हो ताकि उस बंदे का भी प्रॉफिट जो है हो सके, जो बंदा आपसे बल्क में सामान खरीद रहा है और फिर जाकर के रिटेल में कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है ना। तो क्लाइंट का प्रॉफिट होना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से कोई टॉपिक आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच। और एग्जाम जैसे ही हो जाए, मेरा मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, प्लीज मुझे इसका क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना, क्योंकि इग्नू अपने वेबसाइट पर अपडेट करने में ना अपलोड करने में बहुत टाइम लगाती है। तो आप प्लीज सेंड कर देना अगर आपको ये मैसेज, अगर आपको ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, ये बात आपको पता चली गई होगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।